हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को इस डिज़ाइन की हेल्प से, जैसे हम बॉर्डर में डिज़ाइन कैसे डालेंगे वो हम बताएंगे। दो कलर की डिज़ाइन होगा और कार्ड वाली मशीन की यूज़ हो रही है, जो हम कार्ड यूज़ करेंगे। तो मेरे मशीन में कार्ड वाली है, लेकिन मैंने उसमें हाथ से भी बनाया, आपको लोगों को डिज़ाइन दिखाया है, लेकिन आज मैं इस डिज़ाइन को यूज़ करूँगी, कार्ड वाली डिज़ाइन को मशीन पे दो कलर का यूज़ करूँगी। तो किस तरीके से मैं इस डिज़ाइन को बनाऊँगी, कार्ड में यूज़ करूँगी, तो देखिए, सबसे पहले जितना डिज़ाइन का होता है उसको हम काउंट कर लेंगे। देखिए, ये डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, ये डिज़ाइन हमारा 42 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 42 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद से हम 7 घर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, 7 घर काउंट करने के बाद जो 49 आ रहे मेरे, 49 को हम जो हमारी मशीन है उसमें सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 7 घर हमेशा, जो भी डिज़ाइन है 7 घर हमेशा नीचे रहना चाहिए और 8 नंबर घर हमारा ऊपर रहेगा। तो देखिए, 7 नंबर घर हमारा 48 है, तो 49 तक हम इसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद हमारा डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ किस टाइप की डिज़ाइन मैंने बनाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की डिज़ाइन होगा ये। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये मैंने बॉर्डर पे यूज़ किया है, आप लोग स्वेटर में भी यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग इस तरीके से बॉर्डर बनाना है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से करना है। अभी मैं दूसरा डिज़ाइन डाल के आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके से मैं उस डिज़ाइन को करूँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ग्रीन के साथ येलो का। तो मैं दूसरा डिज़ाइन बना के जो कार्ड है उसका यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं नीडल्स को निकाल देती हूँ, फिर दोबारा मैं करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नीडल्स है इसको हम वन बाय वन करके सेट करेंगे, फिर जो कार्ड में यूज़ करूँगी उसका भी गिनती में बता दूंगी किस तरीके से है। इस तरीके से लेंगे फ्रेंड्स। हमेशा कोई भी डिज़ाइन का कार्ड हो 7 घर नीचे होना चाहिए। कोई भी डिज़ाइन आप लोग बनाओगे, चाहे स्टार्टिंग से बनाओ चाहे किसी से कैसे भी बनाए। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें रोल लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वन बाय वन करके मैंने सेट कर लिया है। अब इसका जितना मुझे जिस नंबर पे हम बॉर्डर बनाते उसी नंबर पे हम बॉर्डर बनाएंगे एक रो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक रो लगा दी है। अब इसमें मैं फॉर्म लगा दूंगी इस तरीके से। देखिए, कॉम आप लोगों को आराम से लगाना है ताकि फंदा ना निकल जाए। देखिए इस तरीके से मैंने कॉम लगा दी है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे मेरे एक नीडल्स छूट रहा है, इसको हम टाइट कर देंगे। आप पीछे का नीडल्स आगे करके मैं इसमें 12 रो लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, पीछे का नीडल्स आगे करके एक रो मैंने लगा दी है, अब 12 रो लगाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका कार्ड यूज करूंगी। मैंने 12 रो लगाए हैं फ्रेंड्स इसमें, अब मैं इसकी कार्ड यूज करूंगी। देखिए, मैंने ये वाला डिजाइन का जो है कार्ड का, इसका यूज करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डिज़ाइन का मैं यूज़ करूँगी, ये बॉर्डर में मेरा दिखेगा। आप लोग जैसे इसको कर सकते हो, फिर इसको कर सकते हो। देखिए, अलग अलग डिज़ाइन का जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, जितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है 7 घर आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे ये डिज़ाइन ही हमारी 7 घर की है, तो हम यहाँ से भी इसको यहाँ तक ले लेंगे। जो प्लेन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम सेटिंग करके रखेंगे तभी हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए, ये वाला डिज़ाइन हमें बनाना है फ्रेंड्स। देख लीजिए, ये वाला डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन का डिज़ाइन है। तो हम ये जो 8 नंबर आपको प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे मैं मशीन को सेट करके रखूँगी। और यहाँ पे जो मेरा नंबर है 13 नंबर, मैं 13 नंबर पे जो है कार्ड को सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि 7 घर हमेशा हमारे नीचे होना चाहिए कार्ड वाले डिज़ाइन में। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लेन दिख रहा है, इसको हम ऊपर रखेंगे। देखिए, यहाँ से भी मैं दिखा देती हूँ, जैसे जिससे हम कभी स्टार्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए
आठ इसी नंबर से आपको स्टार्ट करना होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को डिज़ाइन को सेट करना है, हमेशा सात घर आपको छोड़ना है नीचे। देखिए मैं तेरह नंबर पर मैंने कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अब जो है इसको मैं एक रो प्लेन चलाऊंगी, इस साइड से मैं सिलेक्शन दूंगी। तो देखिए एक रो में प्लेन चलाऊंगी, देखिए थर्टीन रो के बाद ये जो मेरा प्रेस का वो है इसको मैंने दो नंबर पे घुमा दिया है डायल को। देखिए इस डायल को मैंने दो नंबर पे घुमा दिया है। ये जो होता है हमारा ये इसको नॉर्मल बनाते हैं, कार्ड वाले जब हम लेते हैं सिलेक्शन के लिए इसको हम दो नंबर पे सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए एक रो लगाएंगे इस तरीके से, देखिए हमारा कार्ड जो है सिलेक्शन ले लिया है। अब मैं दूसरा धागा यूज़ करूँगी, देखिए मैंने दूसरा धागा यूज़ करूँगी, इसमें थोड़ा सा लगा दूँगी इसको। और दूसरा धागा जब हम यूज़ करेंगे तो इसका सेंटर वाला बटन दबा देंगे। देखिए डिफ्रेंस, जब हम दूसरा धागा यूज़ करते हैं तो इसका जो बीच का बटन होता है उसका हम यूज़ करते हैं। और इसको मैं सेट कर लेती हूँ, मेरा 14 रो हो चुका है ताकि काउंटिंग में गलत ना हो जाए, क्योंकि हमने नीचे 13 लगाए हैं तो ऊपर 15 लगाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स अब मैं कंटिन्यू करूंगी डिज़ाइन को। देखिए मैंने सेंटर की जो बटन है इसको मैंने दबा रखा है। हमेशा जब हम दो कलर से बनाते हैं तो हमारे जो बीच वाला बटन होता है इसको यूज़ होता है, जब हम सिंगल कलर एक ही कलर से बनाते हैं तो हमारे ये वाला दो जो बटन दिख रहा है वो यूज़ होता है। तो हम दो कलर यूज़ कर रहे थे, ये वाला बटन हम दबाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे। इसको हम बना लेंगे जब तक हमारा डिज़ाइन ख़त्म ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स मेरा डिज़ाइन ख़त्म हो गया है, ये सारे जो निडल से प्लेन हो गया है। तो अब मैं इसका जो येलो कलर की धागा है उसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि सात रो का डिज़ाइन था मेरी, इसको हम निकाल देंगे। देखिए इसको हम निकाल देंगे और इसका जो सेंटर का बटन है उसको मैं, जो हमने इसको कैरेज का बटन नॉर्मल कर दूंगी, इसको एक नंबर पर घुमा दूंगी। और ये वाला जो है देखिए कैरेज का, इसको हम इसको निकाल देंगे, बीच वाला बटन को भी हम निकाल देंगे। आप देखिए मुझे टोटल चाहिए था, नीचे मैंने 13 रो लगाए थे तो ऊपर मुझे और जो रो चाहिए उसको मैं प्लेन बना लूँगी। तो देखिए 21 रो हो गया है, मुझे टोटल 27 रो चाहिए, 28 रो चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैं बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी फोल्ड करके। देखिए 24 रो हो चुकी है मेरी, 25, 27। देखिए फ्रेंड्स 28 रो मैंने लगा ली है। अब इसको मैं फोल्ड कर दूंगी, फिर फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि नीचे हमने 13 रो लगाए थे, 12 रो के बाद एक रो मैंने उधर से लेके फिर मैंने डायल सेशन किया है, तो 14 फिर ऊपर मैंने 28 रो तक मैंने लगा दी है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इस तरीके से है डिज़ाइन के बाद मैंने जो बाकी रो मैंने प्लेन लगाए है। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, फोल्ड करने के बाद आपको दिखा दूंगी किस तरीके से डिज़ाइन दिखेगा। अब देखिए फ्रेंड्स फोल्ड करने का तरीका वही है जैसे एक नीडल छोड़ के दूसरा नीडल में हमको ट्रांसफ़र करते वही वाला है, एक नीडल छोड़ के एक नीडल में ट्रांसफ़र करना है जो हमेशा हम फोल्ड करते हैं इस तरीके से। देखिए फोल्ड करना है हमें एक नीडल को छोड़ के दूसरे नीडल में, देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करते हैं, जैसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी, देखिए इसको मैं फोल्ड करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ जो बॉर्डर डिज़ाइन है मैंने कैसे लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स बॉर्डर मैंने फोल्ड कर दिया है, फोल्ड करने के बाद सारे पीछे का नीडल आगे कर दूंगी। अब जो मेरा डायल सेशन है डायल सेशन को मैं चेंज कर दूंगी। देखिए डायल सेशन को मैं चेंज करके कुछ लोग प्लेन बना के दिखा दूंगी किस तरीके से डिज़ाइन लग रहा है इसको। आपको जिस नंबर से बनाना है उसी नंबर से आपको फोल्ड करके उसी नंबर से बनाना है बॉर्डर को।
बॉर्डर के बाद इस नंबर से आपको बनाना होता है, इस नंबर से बना लेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और प्लेन बना के मैं आपको दिखा देती हूँ इसका डिज़ाइन कैसे लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ इसका जो डिज़ाइन कैसे दिख रहा है। देखिए ऐसे डिजाइन आएगा इसमें, ये जो है इस तरीके से डिजाइन दिखेगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से डिजाइन दिखेगा बॉर्डर की ओर, नीचे नीचे रहेगा ये वाला डिज़ाइन। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से डिजाइन दिख रहा है। तो बॉर्डर के साथ आप लोग दो कलर कैसे यूज़ कर सकते हो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इस डिज़ाइन को दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करें। कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो सात फंदे नीचे जो है उसको छोड़ना है कार्ड में, फिर दोबारा स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से डिजाइन है, खोल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से दिख रहा है बॉर्डर के साथ साथ ये वाला डिज़ाइन। तो कोई भी डिज़ाइन आप लोग यूज़ कर सकते हो इसमें बॉर्डर के साथ। तो किस तरीके से यूज़ करोगे आप लोगों को मैंने इसको तरीका बता दिया है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ज़रूर आप लोग बनाएं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बॉर्डर में, जैसे ऐसे रहेगा बॉर्डर का डिज़ाइन को। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए। नेटिंग के रिलेटेड कुछ भी आइटम चाहिए तो मेरे चैनल में कमेंट करें, मेरा नंबर पर व्हाट्सअप करें। थैंक यू।